हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और मैंने देखिए एक पिछला वीडियो बनाया था कि गलती से भी ईडा फ्लैट स्कीम में अप्लाई ना करें, लेकिन अभी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है उस स्कीम का। बहुत सारे फर्जी फेक यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, जिनको लोगों की नब्ज या लोगों की रिक्वायरमेंट या लोगों का फ्यूचर नहीं दिखता ना, वो लोग फेक स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं। मैंने यही कहा था कि देखिए, मैं क्लियर कट अपनी एडवाइस देता हूँ और जेन्युइन एडवाइस देता हूँ। और पहले आओ पहले पाओ की वाली ये ईडा फ्लैट्स स्कीम में लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो पिछला वीडियो था जिसका रिस्पांस लोगों ने भर भर के मुझे सपोर्ट किया। और मैं देखिए आपको क्लियर कट बता देता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे में ईडा तो छोड़िए, किसी प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट में भी पैसे आप मत लगा देना, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक कम्युनिटी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक फैसिलिटीज़ के नाम पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड ज़ीरो पे हम जाके वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हमारा उस तरीके का, मैंने एक आध वीडियोज़ में ट्राई किया कि ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन ये सब बकवास चीज़ें, मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पर ना। मैं हकीकत पर बिलीव करता हूँ, और मैंने सिंपली यही बताया था कि इसमें पैसा मत लगाना। लेकिन देखिए, मार्केट में मूर्खों की कमी नहीं है, ये आप भी जानते हो। अगर सबके पास दिमाग होता प्रॉपर्टी का कि कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बेहतर होता, तो हर आदमी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट नहीं बन जाता। मैंने जो भी बातें बताई आज तक अपने वीडियोज़ में लगातार, मैं दिल से सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो का टैगलाइन भी है सच्चाई दिल से हर नेक इंसान के लिए। फ्रॉडों के लिए मेरी नहीं एडवाइस होती नहीं है। और रियलिटी यही है कि आप कभी जाके इस जो ईडा फ्लैट स्कीम आई है उसके फ्लैट्स कहाँ पे हैं ना, वो देख लेना आप। ना तो वहाँ पे कोई बूथ कमर्शियल कोई स्पेस मिलेगा आपको, कि वहाँ से आपको सामान, बेसिक नीड्स का जो सामान है, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, कुछ जो भी आपको चाहिए, ना तो बच्चों के स्कूल है नियर बाई में। और जेपी स्पोर्ट्स सिटी के यमुना विहार के पीछे से वो रास्ता गई है गांव से जाके, वहाँ कोई अच्छा खासा आदमी भी फ्लैट ले लेगा ना, तो रात को लूट जाएगा वहाँ पे, हकीकत ये है। तो ऐसी एरिया में आपको 20 से 45 लाख के बीच में फ्लैट्स मिल रहे हैं, और उसमें भी साइज क्या है, 200, 250, 300 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 600, 700 स्क्वायर फीट। और उसके लिए पैसा क्या पे कर रहे हो आप, 20 लाख तो बेसिक कीमत बताते हैं, 25 लाख से लेके 50 लाख तक की कीमत है। इतनी में कीमत पे तो आपको एक डेवलप्ड सिटी जैसे ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। 30 मीटर के भी फ्लैट होते हैं यहाँ पे, 40 मीटर के भी फ्लैट होते हैं, मतलब लगभग 300-400 स्क्वायर फुट के एरिया में आपको फ्लैट मिल जाएंगे, और इससे भी सस्ते रेट पे। और एटलीस्ट आपको बेसिक एमिनिटीज जीवन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और आपका कमर्शियल शॉप्स, और आपको बेसिक एमिनिटीज, या आपको कहीं पे जॉब करनी है तो वहाँ से आप ये बताओ, सेक्टर 22G में आप फ्लैट ले लोगे तो आप कब नौकरी करने जाओगे, कब वापस लौट के आओगे, बीच में लुट जाओगे नहीं लुट जाओगे, क्या भरोसा उसका जीवन का, ऐसे एरिया में आप रहना चाहोगे। और देखिए, यहाँ पे ना हम किसी को प्रमोट नहीं करते, ना तो हम किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ना कोई फेक प्रमोशन करते हैं किसी का। अच्छी स्कीम्स को सपोर्ट करते हैं, घटिया स्कीम्स को सीधे कह देते हैं ये थर्ड क्लास स्कीम है, इसमें गलती से भी पैसा मत लगाना। तो ये तो मैंने पहले भी कहा था कि इस स्कीम में गलती से भी पैसा मत लगाना। और जिन मूर्खों ने पैसा लगा दिया, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आया कि सर हमने लगा दिया है, अब रिफंड कैसे ले। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या थी जी, 19 तारीख से स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, और आपको मार्च तक का टाइम था। पहले आओ पहले पाओ की नीति वाले लोगों ने, जिन्होंने कहा कि भैया हम पहले पा लें, तो उनको हमने कहा कि देखो, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट होता तो बहुत अच्छा होता है, ईडा के किसी भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की कोई स्कीम आती उसमें आप लगातार पैसे लगाओ, लेकिन फ्लैट्स में पैसे मत लगाओ।
ऐसे ही सिमिलरली 22G में बहुत सारे बिल्डर्स ने, प्राइवेट बिल्डर्स ने फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च की और बहुत सारे और लॉन्च करने वाले हैं, तो वहाँ फ्लैट लेके आप फंस मत जाना जीवन में। बाकी तो देखिए आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है। पैसा लगाना या पैसा डुबोना सिर्फ कस्टमर के हाथ में होता है। बीइंग अ प्रॉपर्टी एडवाइज़र, प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। और एज अ यूट्यूबर मेरा काम होता है सच्ची और रियल एडवाइस देना आपको। ये सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर के हाथ पे। मैंने नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के वर्सेस पे भी अभी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पॉजिटिव कमेंट दिया। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी दे रहे हैं कि भैया आप नोएडा एक्सटेंशन को ग्रेटर नोएडा से कैसे कंपेयर कर सकते हो, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है। तो देखिए मेरी सिंपल सी उनसे मैंने एक ही चीज़ मेरे मन में जो थी मैं आज बोल देता हूँ वीडियो में, कि देखिए जो बकवास परोसते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ ओके थैंक यू, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको मैं हार्ट के साथ बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में जो है ना हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए, ज़मीन कम पड़ रही है और लोग ट्रैफिक की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया हो गया वो कि मेरे बहुत खास लोगों ने भी जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, चाहे उन्होंने प्लॉट खरीदा चाहे उन्होंने फ्लैट खरीदा, वो आज कहते हैं कि हम साला परेशान हो जाते हैं ये क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले ट्रैफिक से, गौर चौक वाले ट्रैफिक से, हर जगह के ट्रैफिक से परेशान हो जाते हैं अंकुर जी। और यार कैसे हम, तो हम यही कहते हैं कि भैया देखो वहाँ पे क्या मतलब है, ग्रेटर नोएडा बेस्ट प्लेस है। मैं कोई ग्रेटर नोएडा का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ ना, तो मुझे जो फील हुआ ये फ्यूचर है दिल्ली एनसीआर का। यहाँ पे आप आके एक बार फील करना, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सारी चीज़ें फील करना। यमुना एक्सप्रेस वे अनडेवलप्ड एरिया है, वहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे जो आपको बातें बताई जाती हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस दिन बन के तैयार हो गया, सबसे बड़ा फ़ायदा परी चौक के नियर बाई सेक्टर्स को ही मिलेगा इसका, क्योंकि यहाँ से 35-40 मिनट की ड्राइव होगी, 35-40 किलोमीटर की क्योंकि दूरी है, और बिना ट्रैफिक की समस्याओं से आप 35-40 मिनट के अंदर आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। एज वेल एज आप नोएडा जाना चाहते हो, आप दिल्ली जाना चाहते हो, आप गुड़गांव जाना चाहते हो, आप फरीदाबाद जाना चाहते हो, सब जगह से ये वेल कनेक्टेड रहेगा। इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ ग्रेटर नोएडा को, क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा एक अच्छी सिटी है, प्लान्ड सिटी है और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एजुकेशन हब है ये। आज की डेट में देख लीजिए इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा में हैं, चाहे आप शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें, मैनेजमेंट कॉलेजेस की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, सारे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट स्कूल्स यहाँ पे हैं। चाहे आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, चाहे आपका जीडी गोनका स्कूल हो, चाहे आपका सेंट इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे आपका, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। और अच्छे स्कूल्स के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आदमी को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। पीसफुल इन्वायरमेंट दिल्ली एनसीआर में जो अगर एक इकलौता एरिया प्रोवाइड कराता है वो प्रोवाइड कराता है ग्रेटर नोएडा। गुड़गांव में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि नाव सड़कें पे गाड़ियां तैर रही हैं, गुड़गांव का क्या हाल होता है ना, आपका टॉप लोकेशंस का भी पानी अगर बहुत तेज़ बारिश होगी ना वहाँ की सड़कों में क्या गाड़ियां तैरने लगती हैं। फरीदाबाद बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही लोअर लेवल की सिटी है मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे उतना इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए आपको। बाकी बचा नोएडा, नोएडा ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है क्योंकि वहाँ पे उतना एरिया है नहीं। दिल्ली में पॉल्यूशन की इतनी ज़्यादा समस्या है, इतना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो दिल्ली एनसीआर का एक्चुअल फ्यूचर है ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना आपको भी फ़ायदा देगा और आप किसी को सजेस्ट भी करोगे ना। मैंने जितना एप्रिसिएशन देखा ग्रेटर नोएडा की मार्केट में उतना एप्रिसिएशन कहीं हुआ ही नहीं। बाकी देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता वीडियो को, मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और
मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए मुझसे बात करिए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।